नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाया जाता है, ये चीज हम रशिया और यूएस से सीख सकते हैं। नॉर्मली हमें यही मालूम है कि रशिया और यूएस के बीच में संबंध अच्छे नहीं है और दोनों देश एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है। लेकिन जैसे ही आप जियोपॉलिटिकल न्यूज पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितना डिपेंडेंट रशिया यूएसए के ऊपर है, उतना ही डिपेंडेंट यूएसए भी रशिया के ऊपर है। और दोनों देश ये मेक श्योर करते हैं कि किसी भी तरीके से इनका देश का जो इकोनॉमी है उसको नुकसान ना पहुंचे। फरवरी 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हो गया और जंग शुरू होते ही बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज ऑन पेपर्स कुछ इस तरीके से दिखाएं कि वो रशिया का बिजनेस को छोड़ के वापस आ रहे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी कहता है वो कुछ ये कहता है कि आज भी ऑलमोस्ट सारे के सारे यूरोपियन कंपनीज रशिया में बिजनेस कर रहे हैं जो रशिया और यूक्रेन के वॉर के पहले कर रहे थे। वो अपना नाम चेंज कर लिए, कंपनी का जो साइन या सिंबल है उसको चेंज कर लिए और किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट करके वो बिजनेस कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ यूरोपियन कंपनीज के लिए नहीं है बल्कि यूएस कंपनीज के लिए भी है। यूएस के पूरे दुनिया में 800 से भी अधिक मिलिट्री बेसेस हैं। अगर आपके पास 800 से भी अधिक मिलिट्री बेसेस हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास सफिशिएंट पैसे होने चाहिए और उस सफिशिएंट पैसे के लिए आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आपके देश में खूब सारे प्राइवेट कंपनीज काम करें और उन सब प्राइवेट कंपनीज का जो ऑपरेशन है वो किसी भी तरीके से ना रुके। हमारे सामने एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है जहां पे हमें ये मालूम पड़ता है कि टेक्सास की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है SLB नाम की, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन में काम करती है। जो इनका ऑपरेशन है वो सर्विसिंग का है। मतलब क्या हुआ, तो जैसे कि भारत में हमारे पास इंडियन रेलवे है या किसी एक बिजनेस का आप एग्जांपल ले लें, तो अगर हम सिर्फ इंडियन रेलवे का एग्जांपल लेते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारे इंजन वगैरह होता है या कोचेस होते हैं उसको भी मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो कंपनी मेंटेनेंस करती है वो कंपनी का वही मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो ऐसा ही हमको समझ लें SLB के बारे में, जो कि US बेस्ड कंपनी है और ये उन सब कंपनीज को सर्विसिंग देती है जो कंपनीज ऑयल एक्सप्लोरेशन में काम करती है। किसी भी तरीके से अगर कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया या इससे संबंधित कोई और भी अगर ऑपरेशनल फेल्योर होता है तो उसमें SLB का बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। सो एक होता है किसी भी देश में काम करना और एक होता है अपने जो बिजनेस है उसको उस देश में एक्सपेंड करना। तो जो SLB कर रहा है वो एग्जैक्टली एक्सपेंशन कर रहा रशिया में, ना कि सिर्फ वो बिजनेस कर रहा। सो जब भी कोई कंपनी अपना विस्तार करती है तो उस कंपनी को मेक श्योर करना होता है कि उसके कंपनी में और भी लोग आके जुड़े, यानी कि एज एन एम्प्लॉइज। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि एक जो मेन कंपनी होता है यानी कि जो मदर कंपनी होता है वो अपने और भी एक्सटेंशन को खोलता है। तो ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है SLB के बारे में भी, जो कि बढ़ चढ़कर रशिया में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा। खास करके फरवरी 2022 के बाद नॉन यूरोपियन कंट्रीज को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया था US और यूरोपियन मीडियाज के द्वारा कि आप किसी भी तरीके से रशिया से बिजनेस ना करें। उनका कहना था कि अगर आप किसी भी तरीके से रशिया से बिजनेस करते हैं तो इसका साफ मतलब होता है कि आप रशिया की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं और उस मजबूत इकोनॉमी का सहारा लेके रशिया यूक्रेन में इन्वेजन कर रहा और उस इन्वेजन में इनोसेंट लोग मारे जा रहे। और इसी में आगे फाइनेंशियल टाइम्स ये भी लिखता है कि साल 2023 के अगस्त से लेकर दिसंबर के महीने में 17.5 मिलियन US डॉलर्स का सामान को SLB इंपोर्ट करता है रशिया में। क्योंकि SLB एक ऑयल सर्विसिंग कंपनी है तो इनके जो इक्विपमेंट्स वगैरह भी होते होंगे ये भी काफी कॉस्टली होते होंगे। तो अगर किसी भी तरीके से अगर SLB इतना ह्यूज अमाउंट का अगर इंपोर्ट करता है रशिया में, तो क्या इसका जो टैक्सेस है वो US गवर्नमेंट को नहीं मिला होगा? तो डेफिनेटली मिला। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो इतनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इन सब कंपनीज में बहुत सारे अलग अलग बैंकों का या इन्वेस्टर्स का भी पैसा इन्वेस्टेड होता है। तो वो सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं क्योंकि उनको मतलब होता है अपने पैसे से। और ऐसा भी हो सकता है कि इन सब कंपनीज में US के बैंकों का भी पैसा इन्वॉल्व हो। तो अगर किसी भी तरीके से SLB का अगर ऑपरेशन रुकता है तो उन सब बैंक्स का या उन सब इन्वेस्टर्स का भी पैसा रिस्क पे आ जाएगा जिन्होंने SLB में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखे हैं। क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ था तो बढ़ चढ़कर एक जो सेंटिमेंट था वो यूक्रेन के सपोर्ट में था और रशिया के अगेंस्ट में था। तो उसी टाइम कुछ ऐसा स्टेटमेंट रिलीज किए गए थे SLB के द्वारा जहां पे ये कहा गया था कि वो किसी भी तरीके से रशिया में अपना बिजनेस नहीं करेंगे और हो सके तो अपने बिजनेस को वहां पे खत्म कर देंगे। लेकिन अगेन, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका अपना पैसा होता है, जो इतनी बड़ी जो कंपनी रन कर रही है इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी सैलरी होती है। तो कोई भी कंपनी इमोशन के बेसिस पे काम नहीं करता है बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे काम करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मीडिया हाउस है जो किसी भी तरीके से ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि क्या सच में जो US या यूरोपियन कंपनीज है वो रशिया से एग्जिट कर चुके हैं। तो इसी बीच थर्ड पार्टी
पार्टी कंट्रीज का सहारा लिया गया था, जिसमें कि चाइना था और भारत था। ये वो दौर था 2022-23 का, जहां पे रशिया से ऑयल भारत आ रहा था और भारत में वो रिफाइन हो रहा था और उसके बाद वही तेल यूरोपियन कंट्रीज को डिलीवर हो रहा था। तो जो एक नॉर्मल क्रूड ऑयल का पॉलिसी है उसके तहत कुछ इस तरीके से है कि अगर आप किसी भी देश से अगर आप क्रूड ऑयल को परचेस कर और अगर आप अपने देश में उसको रिफाइन करते हैं और फिर अगर आप किसी को एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो ओनरशिप होता है वो उस देश का नहीं होता है जिस देश से आपने क्रूड ऑयल को मंगाया था। तो कहने का मतलब है कि हर छोटे मोटे चीज का जो लूप होल था उसका इस्तेमाल किया गया और मेक श्योर किया गया कि किसी भी तरीके से जो ऑयल का इम्पोर्ट है या जो मार्केट में सर्कुलेशन है उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। साल 2023 में SLB ने जो प्रॉफिट जनरेट किया रशियन ऑपरेशन से वो कुछ 5% था और वो जो 5% था वो हो जाता है 33.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। ये अमाउंट अपने आप में काफी ह्यूज हो जाता है। जब कोई भी कंपनी इतना अमाउंट जनरेट करता है या जब वो रेवेन्यू जनरेट करता है तो इसके जो रेवेन्यू में जो शेयर्स होते हैं वो सिर्फ किसी एक देश को नहीं जाता है बल्कि वो मल्टीपल देशों के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सारे जो चीज है वो हमें तभी समझ में आएगा जब हम जियोपॉलिटिकल न्यूज को पढ़ेंगे और काफी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से रह के पढ़ेंगे। साथ में साल 2022 से अगर हम 23 को कंपेयर करें तो सिर्फ एक साल में 4 गुना प्रॉफिट जनरेट किया है SLB। तो कोई भी कंपनी अगर किसी भी ऑपरेशन से अगर इतना ह्यूज पैसे बना रहे हैं या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो उनके लिए चांस ही नहीं बनता है कि वो किसी भी तरीके से उस देश को छोड़ के आ जाएं। और इसके बाद जो सोने पे सुहागा हो गया SLB के लिए वो ये हो गया कि इनका जो दो सबसे बड़ा राइवल कंपनी था वो किसी भी कारण से जो रशिया का जो उनका बिजनेस था या ऑपरेशन था उसको वो छोड़ के आ गए। तो जब फील्ड में आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं तो आपका जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है, आपके पास जो काम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि क्यों SLB को और भी लोगों को हायर करना है और साथ में अपने बिजनेसेस को और भी एक्सपेंड करना है। और उसके बाद जब रशियन कंपनीज और खास करके जब रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे थे तो उस वक्त G7 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया मिलके एक प्लान के साथ आते हैं जिस प्लान में ये अटेम्प्ट किया गया था कि रशिया किसी भी तरीके से सस्ते कीमत पे तेल को मार्केट में ना बेचे। तो इसी प्लान का एक हिस्सा होता है जहां पे G7 यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ये तय करते हैं कि वो सारे कार्गो कंपनीज जो किसी भी तरीके से रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करेंगे उनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो रशियन ऑयल है उसका जो कीमत है वो कम से कम $60 per barrel होना ही चाहिए। यानी कि किसी भी तरीके से अगर उस कार्गो में रशियन ऑयल है और उसका जो कीमत है वो $60 per barrel से कम है तो वो कार्गो कंपनी रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। तो कहने का बहुत ही साफ मतलब है कि किसी भी तरीके से रशियन ऑयल को मार्केट में आने से रोका नहीं गया था बल्कि एक बहुत ही सिंपल सा अटेम्प्ट किया गया था कि किसी भी तरीके से रशिया अपने तेल का कीमत को एक लिमिट से कम ना करे। और उसके बाद जो इतनी बड़ी बड़ी कार्गो कंपनीज होती हैं इनको इंश्योरेंस लेना होता है। और जहां तक बात किया जाए इंश्योरेंस कंपनीज का तो मेजरली जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो यूरोपियन कंपनीज हैं। और किसी भी तरीके से अगर वो सारे कंपनीज रशियन कार्गो या रशियन ऑयल कंटेनर्स के ऊपर अगर वो इंश्योरेंस नहीं बेचते तो उनको नुकसान होता। तो यहां पे भी बहुत सारे ऐसे गेम किए गए थे जिससे कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो इंश्योरेंस भी बेच दे अपना, उनका जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट होता रहे और किसी भी तरीके से जो रशियन ऑयल है उसका मार्केट में जो फ्लो है वो मेंटेन रहे। किसी भी तरीके से अगर रशियन ऑयल मार्केट में नहीं आता तो एक कंप्लीट केओस मच जाता, तो उससे चांसेस ये थे कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ जाता। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।